नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा विषय रहेगा सबसे उत्तम पुखराज येलो सफायर, जो कि बृहस्पति का रत्न होता है। वह कैसे रंग का और किस प्रकार का पुखराज सबसे बढ़िया होता है और किस रंग का पुखराज व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, उसमें अपने पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, यही आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझसे मिल भी सकते हैं। तो चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि गुलाबी पुखराज उत्तम होता है, कुछ कहते हैं कि सफ़ेद पुखराज उत्तम होता है। भाई, आसमान में बृहस्पति जुपिटर पीत आभा वाले हैं और हमारे धर्मशास्त्रों में उनका रंग पीला बताया गया है, इसीलिए पीत आभा वाला येलो सफायर पुखराज ही सबसे बढ़िया श्रेणी का माना जाता है। आपने एक शब्द सुना होगा, फंडामेंटल नेचर, मूलभूत स्वभाव। दोस्तों, बृहस्पति का मूल स्वभाव पीले रंग का है। पुखराज हमारे शरीर में पीले रंग को पूरा करता है, हमारे जीवन में पीलेपन को बढ़ाता है। तो यदि लाल पुखराज होगा तो उसमें रजोगुण की अधिकता होगी, उसमें सूर्य का अंश आ गया। सफ़ेद जो पुखराज होता है, वाइट मिक्स होता है, उसमें शुक्र जो कि बृहस्पति के शत्रु हैं उसका अंश आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वह आपको वो फायदा नहीं पहुंचा पाएगा जो उसको पहुंचाना चाहिए। तो आपको पीले रंग के पुखराज का ही चुनाव करना चाहिए। जहाँ तक मेरी अपनी समझ है और शास्त्रों को मैंने रिसर्च किया है, उनमें खोज की है, मेहनत की है, तो मैं यही समझता हूँ कि व्यक्ति को गुलाबी पुखराज, सफ़ेद पुखराज या ब्लैक मिक्स, वह तो राहु से प्रभावित हो गया ना, तो पीत आभा वाले येलो सफायर से अलग जो भी जिस कलर का भी पुखराज है वह आपको संपूर्ण लाभ नहीं दे पाएगा। इसलिए रत्न का चुनाव करते समय सावधानी बरतें। रत्न में बाहर की तरफ कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत रेशा होना स्वाभाविक है लेकिन चोट चपेट नहीं होनी चाहिए, रत्न दोरंगा नहीं होना चाहिए। साफ सुथरे रत्न का ही चुनाव करें और यदि पुखराज खरीदते हैं तो पीला ही पुखराज आप खरीदें। मैं कामना करता हूं, बहुत छोटी सी जानकारी है पर आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।